और ये चोर जिन्होंने अपने केस ख़त्म कराए हैं, और ये चोर मनी लॉन्डरर जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डूबते तिनकों का सहारा लिया है, आज ये नाकाम हो गए हैं, ये नाहल हैं, ये गैर मकबूल हैं, ये मुल्क को बुरान से नहीं निकाल सकते। और सारी कौम इमरान खान के इस मुतालबे के साथ है कि इंतखाबात करवा जाए, और इमरान खान बराए रास्त 10 या 15 दिनों में रावलपिंडी आएंगे। अब ये लॉन्ग मार्च कहीं खारियां जेलम गुजरात नहीं होगा। एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि थाने में बिजली नहीं है। एक सवाल मेरा 5 मिनट से ज्यादा नहीं। आपने अभी तक आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के एक अच्छे सवाल को जानते हैं। पाकिस्तान में आज तक सला तारीख में अदारों को या किसी को बाई नेम जो है वो नहीं लिया गया। देखें ये सवाल अभी इमरान खान आपको बुला रहा है, अभी इमरान खान मीडिया से बातचीत करने लगा है। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आपकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हूँ, मीडिया से मैं अलग नहीं रह सकता। देखें आईजी पंजाब की क्या औकात है, क्या पिद्दी शोरबा। ये चिलमन के पीछे और लोग हैं और इमरान खान इनको एक्सपोज करेगा। और आईजी क्या भेजते हैं, टका टोकरी। एक दिन हफ्ते में कोई आईजी होता है, दूसरे हफ्ते कोई आईजी होता है। मैंने सिर्फ एक ही खबर दी है कि इमरान खान अजीम शान तारीखी लॉन्ग मार्च के लिए बराह रास्त रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। हो गए क्वेश्चन, दो मिनट और है मेरी, 5 मिनट। सर आप सियासत में बड़ा आजमूदा सियासतदान है, आपका मकाम है, आप रबतों का पुल क्यों नहीं बन रहे? देखें मैं अपनी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मैंने उनको कह दिया था कि मैं नस्ली और असली इमरान खान के साथ हूँ। मैं उनका दिल से मशकूर हूँ, ना किसी ने मुझे कॉल की, ना किसी ने मुझे तंग किया। और उनसे मेरा नाराज़गी ज़रूर है लेकिन खफगी नहीं। यार आप छोड़ें, आपने ठेका तो नहीं लिया सवाल। शेख साहब ये मुझे बताएं, बैकडोर पे अभी भी कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं? सियासत में दरवाजे बंद नहीं हो सकते। नवाबजादा नसरुल्ला कहा करता था, और आप देखें मैं उसमें एक वर्कर था जब मुफ्ती महमूद साहब की और प्रोफेसर गफूर जुल्फकार अली भुट्टो से मुज़ाकरात हो रहे थे। सियासत में दरवाज़े बंद नहीं होते, लेकिन कौम ने जिस तरह इन 13 पार्टियों का सियासी मुर्दा ख़राब किया, दफन कर दिया, कल शहबाज शरीफ के चेहरे से ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसा। और ये चोर जिन्होंने अपने केस ख़त्म कराए हैं, और ये चोर मनी लॉन्डरर जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए डूबते तिनकों का सहारा लिया है, आज ये नाकाम हो गए हैं, ये नाहल हैं, ये गैर मकबूल हैं, ये मुल्क को बुरान से नहीं निकाल सकते। और सारी कौम इमरान खान के इस मुतालबे के साथ है कि इंतखाबात करवा जाए, और इमरान खान बराए रास्त 10 या 15 दिनों में रावलपिंडी आएंगे। अब ये लॉन्ग मार्च कहीं खारियां जेलम गुजरात नहीं होगा। एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि थाने में बिजली नहीं है। एक सवाल मेरा 5 मिनट से ज्यादा नहीं। आपने अभी तक आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के एक अच्छे सवाल को जानते हैं। पाकिस्तान में आज तक 13 तारीख में अदारों को या किसी को बाई नेम जो है वो नहीं लिया गया। देखें ये सवाल अभी इमरान खान आपको बुला रहा है, अभी इमरान खान मीडिया से बातचीत करने लगा है। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आपकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हूँ, मीडिया से मैं अलग नहीं रह सकता। देखें आईजी पंजाब की क्या औकात है, क्या पिद्दी शोरबा। ये चिलमन के पीछे और लोग हैं, और इमरान खान इनको एक्सपोज करेगा। और आईजी क्या भेजते हैं, टका टोकरी। एक दिन हफ्ते में कोई आईजी होता है, दूसरे हफ्ते कोई आईजी होता है। मैंने सिर्फ एक ही खबर दी है कि इमरान खान अजीम शान तारीखी लॉन्ग मार्च के लिए बराए रास्त रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। हो गए क्वेश्चन, दो मिनट और है मेरी, 5 मिनट। सर आप सियासत में बड़ा आजमूदा सियासतदान है, आपका मकाम है, आप रबतों का पुल क्यों नहीं बन रहे? देखें मैं अपनी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। मैंने उनको कह दिया था कि मैं नस्ली और असली इमरान खान के साथ हूँ।
मैं उनका दिल से मशकूर हूँ, ना किसी ने मुझे कॉल की, ना किसी ने मुझे तंग किया, और उनसे मेरा नाराजगी जरूर है लेकिन खफगी नहीं। यार आप छोड़े, आपने ठेका तो नहीं लिया सवाल। शेख साहब ये मुझे बताएं, बैक डोर पे अभी भी कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं? सियासत में दरवाजे बंद नहीं हो सकते। नवाबजादा नसरुल्ला कहा करता था, और आप देखें मैं उसमें एक वर्कर था जब मुफ्ती महमूद साहब की और प्रोफेसर गफूर जुल्फकार अली भुट्टो से मुज़ाकरात हो रहे थे। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन कौम ने जिस तरह इन 13 पार्टियों का सियासी मुर्दा ख़राब किया, दफन कर दिया, कल शहबाज शरीफ के चेहरे से ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसाना। शुक्रिया।